और दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल ओम सिंह मोटर गैरेज में। और दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज ये है वेगनार कैचरीज 10 मॉडल। और दोस्तों इसका इंजन का काम अभी ताज़ा हुआ है, गैस किट डाला हुआ है, और फिर भी ये पानी, जैसे ये देखो ये पानी भगा रही है स्टार्ट करने पे, और एक्सलेटर मारने पर ये पानी वापस रेडिएटर से बाहर भगा रही है। तो इसका मतलब इसका गैस किट सेट नहीं हुआ है और ये वापस गैस किट लीक हो गया दोस्तों। अब इसका कारण क्या है मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्त्री भाई ने इसमें गलती क्या की है, ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इसमें दिक्कत कहाँ पे हुई है। चलिए हम इसका हेड उतारते हैं। दोस्तों इसमें गैस किट डालने पे, डालने के बाद में ये कम से 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चली है, और उस मिस्त्री भाई ने इसमें क्या गलती की है गैस किट डालने में, मैं आपको वो बता रहा हूँ आज कि इसमें गैस किट डाला है नया और हेड भी पेसिंग करवाया हुआ है, और इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। कुछ नंबर इस गाड़ी का फाइनली हेड आ लिया है, और देख सकते हो आप गैस किट यहाँ से ये सीट लीक हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो। तो हम इसका देखिए एक गैस किट पैकिंग है, और दोस्तों देखिए हमने ये टाइमिंग, इसका टाइमिंग भी खुला है, और नीचे से ये इसका नीचे से ये चैम्बर वगैरह खुला है पूरा। तो ये हो गया हमारा हेड दोस्तों, आप देख सकते हो इसका हेड पहले से पेस करा हुआ है मिस्त्री का, और फिर भी ये गैस किट लीक होना से नहीं रुक रही है। तो इसका मेन कारण है दोस्तों इसके इंजन का ब्लॉक है, उसके अंदर मिस्टेक है। तो इंजन का ब्लॉक पेस होगा, क्योंकि दोस्तों ये वेगनार के सीरीज़ के अंदर ये ब्लॉक और हेड दोनों एल्युमिनियम का है, इसलिए उस ब्लॉक में दिक्कत हो रही है। इसलिए हम पूरा ये इंजन उतार लिया है दोस्तों, और मेरे को इस इंजन के ये इस ब्लॉक में ही दिक्कत लग रही है दोस्तों। हमने चेक कर लिया है, इसमें फेस बराबर नहीं है। तो इसका ये ऊपर का जो ये ब्लॉक है इसका हल्का हल्का फेस होगा दोस्तों, उसके बाद में इस इंजन सेट होगा। तो हमने इसका पूरा ही ओवरहॉल करना है पूरा इंजन दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।